जी तीनों को याद कर रहे हैं। जन्मदिन हो तो एक तो जन्म देने वाली माँ को याद करो, एक उस महात्मा को याद करो, एकम अप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदित पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वा साधिनी भवेत्। एक तो जन्म देने वाली माँ को याद करो और एक महात्मा को याद करो और एक परमात्मा को याद करो। और जगदीश लाल जी तीनों का स्मरण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। समाज सेवा में यो सबका अपना अपना योगदान है, कई समाज सेवी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन जगदीश लाल पाहवा जी को हमने देखा, कोई भी कार्यक्रम होता है बड़े से बड़ा, एक विशेषता हमने देखी, जहाँ भी जाते हैं भगवान का एक चित्र लेकर के जाते हैं, चाहे वो संत हो चाहे सदगृहस्थ हो। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि परमात्मा को आगे रख करके अगर संसार में कोई कार्य करोगे तो सफलता आपके चरणों को छुएगी। जन्मदिन बहुत से लोग मनाते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आज जन्मदिन का प्रकार बदल गया। लोग होटलों में जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं और जन्मदिन वाले दिन मोमबत्ती को पहले जलाते हैं, उसके बाद उसको बुझाते हैं। हमारी संस्कृति ये नहीं है, हमारी संस्कृति दीप दान की रही। हमारी संस्कृति में जन्मदिन वाले दिन दीप जलाए जाते हैं, बुझाने की संस्कृति हमारी नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति इसलिए महान है, आज 177 देशों में आज लोग हमारी संस्कृति से प्रेरणा ले रहे हैं। जन्मदिन मनाने का अधिकार उसको है जिसने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी परंपरा के लिए और अपनी संस्कृति के लिए कुछ किया हो। और मैं ये कह सकता हूँ जगदीश लाल पाहवा जी का संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम ये कह सकते हैं हम तो आपका शताब्दी समारोह भी इसी मंच में मनाएंगे। बहुत तुम जियो हजारों साल, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ हजारों वर्ष जीने का लाभ यही है जब प्रत्येक श्वास प्रत्येक क्षण मानवता के लिए समर्पित हो। माँ कई लोग ऐसे आए हैं इस राष्ट्र में मानवता के हित में प्रगटे, मानवता की पीड़ हरी। मैंने जगदीश लाल पाहवा जी को देखा, पहले इन्होंने बहुत समाज सेवा में भी, क्योंकि हम लोग तो सब माला वाले हैं और पाहवा जी के पास माल भी बहुत है, तो अब तो मेरी माला तेरा माल दोनों मिलकर करेगा माल। खाली माला से काम नहीं चलेगा, माल भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि ये तभी समाज में राष्ट्र में अच्छे अच्छे कार्य होंगे। मैं अपने ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो जो संत लोग अपने अपने ढंग से शुभकामनाएं दे रहे हैं, बात एक ही है, जन्मदिन प्रेरणा दिवस होता है। मैं आप सब लोगों को कहा करता हूँ अपना जन्मदिन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाओ। कई लोग मानवता के हित में आए हैं और मानवता के हित में जो आए, जिन्होंने मानवता की पीड़ सुनी है, आज भी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और उसमें एक जगदीश लाल पाहवा जी है, आपने गंगा तट पर, और इस समय श्रावण का पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और मैं कहना चाहता हूँ ये पुरुषोत्तम मास 3 साल के बाद आता है, और संयोग है कि इस साल सावन में आया और आपका जन्म पुरुषोत्तम मास में हुआ है। ये शुद्ध होता है और पुरुषोत्तम मास का फल अधिक है, और हमें ये विश्वास है, आशा है। और अब आप 75 साल के बाद जो है और अधिक समाज सेवा करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ और अनंत शुभकामनाएं देते हुए अपनी भाई को विराम देता हूँ।